साथियों आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपल्स वॉइस। सरकारी अफसरों की लापरवाही के बहुत चर्चे होते हैं। कई बार देखने में आया है कि अफसरों की लापरवाही से कई मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, तो वहीं कई जीवित व्यक्तियों को कागजों में मुर्दा बता दिया जाता है और लोग अपने जिंदा होने के सबूत लेकर यहां वहां भटकते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के रोहतक से सामने आया है, लेकिन कागजों में मृत इन ताओ ने जो किया वो देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी और इससे अफसरों को ऐसा सबक भी मिलेगा जिससे आइंदा कोई अफसर ऐसा करने से पहले हजार बार सोचेगा। हरियाणा के रोहतक में सरकार ने एक वृद्ध शख्स को मरा समझकर उसकी पेंशन रोक दी। इस बात से क्षुब्ध होकर वृद्ध ने कुछ ऐसा किया जो सोशल मीडिया में तुरंत वायरल हो गया। खुद को जिंदा दिखाने के लिए 102 साल के दुलीचंद दूल्हों वाली बग्गी में बैठकर अपनी बारात लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचे। साथ में लोगों की भारी भीड़ थी। उससे भी रोचक थे वो स्लोगन जो लोगों के हाथों में लिए पोस्टर्स पर लिखे थे, और वृद्ध ने जो पोस्टर अपने हाथ में ले रखा था वो तो और भी अधिक इंटरेस्टिंग था। उस पर लिखा था, थारा फूफा अभी जिंदा है। इसी तरह की और भी खबरें व ताज़ा और ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल बोलना तो है को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलें। चैनल की बेहतरी के लिए आपके सुझाव हमारे लिए बेशकीमती है। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें कि हम और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं।